आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक और खतरनाक वीडियो में। बिकॉज इस वीडियो में थारा भाई क्रिएशन आपको ऐसी जानकारी बताएगा किसी ने सोची न होगी। क्या हुई? जैसे कि आपको अभी तक पता लग चुका होगा कि फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है। खत्म हो गया भैया मैटर। तो यार इस वीडियो में मैं आपको वो रीजन बताने वाला हूँ जिस रीजन की वजह से फ्री फायर इंडिया को प्ले स्टोर से हटाया गया है। और हटाया गया है तो अब कब फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर पर आएगा उसकी कंफर्म डेट भी पता चलने वाली है। इतना ही नहीं विंटरलैंड्स इवेंट के बारे में, क्योंकि लीक ऐसी मिली है कि विंटर इवेंट के दौरान हमें फ्री में गन की स्किन और इमोट मिलने वाले हैं। और 100% कंफर्म मिस्ट्री शॉप कंफर्म हो चुका है कब आएगा, कौन कौन से रिवॉर्ड मिलेंगे ये भी बताने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के बारे में, फ्री फायर की न्यू अपडेट, फ्री फायर की मस्त वाली मीम, आप लोगों के फनी कमेंट। बोले तो ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, खतरनाक, लाजवाब होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आओ यार, सबसे पहले अब मैं आपको हमारे गेम में आने वाले 100% कंफर्म अपकमिंग इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, 7 तारीख को ये वाला टॉप अप इवेंट खत्म होने वाला है ना, तो इसके बदले जो 8 तारीख को नया वाला टॉप अप इवेंट आएगा उसमें फ्रोस्ट फायर हाइपर बुक की ये वाली स्किन आने वाली है जो कि 100 डायमंड के टॉप अप पर हमें मिल जाएगी। और ये 90% कंफर्म हो चुका है ये वाला इवेंट। और आपको पता होगा इसी दिसंबर के महीने में विंटरलैंड्स इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो विंटर इवेंट जैसे स्टार्ट होगा तब हमारे गेम में अप टू 90% ऑफ का मिस्ट्री शॉप आने वाला है जिसमें आइस हार्ट बंडल, आइस फ्लेक बंडल और आईसी मास्क, ये तीनों स्किन 100% कंफर्म रहेगी ही। साथ ही में हाइपर बुक और ईओ टोकन वगैरह भी रहने वाली है। अच्छा पता है ये वाली मिस्ट्री शॉप का फन फैक्ट ये है कि मिस्ट्री शॉप तो अभी आई भी नहीं है लेकिन इसका जो एंडिंग सून वाला बैनर है ना वो निकल कर आ चुका है। इसका मतलब ये वाला इवेंट बहुत जल्द हमारे गेम में आने वाला है। रही बात फ्री रिवॉर्ड की, तो लीक ऐसी मिली है कि टोकन वगैरह को एक्सचेंज करने पर हमें MP40 विंटरलैंड्स की थीम पर और स्पास 12 की स्किन विंटरलैंड्स की थीम पर ये देखने मिलेगी। और जो सेलिब्रेशन शश वाला इमोट है स्केटिंग करने वाला ये हमें फ्री में मिलने वाला है ये वाला इमोट। तो जैसे मुझे और रिवॉर्ड के बारे में पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। और कुछ फ्री रिवॉर्ड के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, अगर जाकर के नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। ओके वेल गाइस, अब मैं आपको बहुत ही मस्त वाली जानकारी बताने वाला हूँ लेकिन वो बताने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है। कमेंट में ये बताइए कि आपके पास जो फोन है उसका मॉडल नेम क्या है और उसकी रैम कितनी है। मैं ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज फ्री फायर ने जिनका भी कम रैम का डिवाइस होता है ना उनके लिए गेम में कुछ अच्छे वाले चेंजेस किए हैं। जैसे कि जिनके पास भी सैमसंग गैलेक्सी J2 रहा होगा, दिसंबर 2022 में जब वो फ्री फायर ऐप के आइकॉन पर क्लिक करते थे तो लॉबी में जाने तक जो टाइम लगता था वो लगता था 46 सेकंड, लेकिन अक्टूबर 2023 में वो टाइम लगेगा 27 सेकंड, मतलब कि आधे मिनट से भी कम टाइम में फ्री फायर उनका ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली। मतलब कि इस ग्राफ के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास कम रैम का डिवाइस है फिर भी आपका फ्री फायर बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। दूसरे ग्राफ में ये बताया गया है कि दिसंबर 2022 में जब गेम के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से लेकर के वेटिंग लॉबी में जाने तक का टाइम लगता था 31 सेकंड लेकिन अब वो टाइम लगेगा सिर्फ 6 सेकंड। और CS मोड का भी वैसा ही है, पहले 15 सेकंड लगते थे लेकिन अब ओनली 6 सेकंड लगेंगे। और ये वाली तीसरी इमेज में ये बताया गया है कि जब हम बुया पास, मिशन, वॉलेट, वेपन पर क्लिक करते हैं तो पहले से 30% जल्दी ये वाले पेज लोड होते हैं। इस तरह से देखिए ना, जिनके पास भी कम रैम के डिवाइस है उनके लिए फ्री फायर वालों ने कुछ अच्छे वाले चेंजेस किए हैं ताकि उनके फोन में फ्री फायर और भी अच्छे से चल सके। आई होप आप लोगों को ये वाली जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लास्ट में और एक बार बोल रहा हूँ, कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके पास कौन सा फोन है और उसका रैम कितना है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। आओ यार, अब मैं आपको फ्री फायर की बहुत ही मस्त और प्यारी वाली मीम दिखाने वाला हूँ जिसे देख करके आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी पीक, पुराने इमोशन, बोले तो ओल्ड इज गोल्ड, मजा आ गया ये वाली मीम को देख करके। आई होप आपको भी मजा आया होगा, आपकी जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हुई होगी। तो यार मैं ना ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो फ्री फायर इंडिया आने वाला है ना उसमें फ्री फायर वाले पुरानी पीक को गेम के अंदर वापस लौटा दे, तब मजा आ जाएगा।
बाय द वे, अगर आप मेरे जैसे पुरानी पीक को बहुत ज्यादा मिस करते होंगे ना, मैं दिल से बता रहा हूँ, सच्ची बहुत ज्यादा मिस करता हूँ पुरानी पीक को। अगर आप भी करते होंगे तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी फ्री फायर का बंदा हो ये वाला वीडियो देखे तब उनके दिमाग में ख्याल आए कि फ्री फायर का जो ओल्ड पीक है उसे वापस दे दिया जाए। और अगर चैनल पर नए होंगे तो इसी अमेजिंग प्यारे से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो गाइस। फाइनली अब मैं आपको फ्री फायर इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ, तो शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जब फ्री फायर इंडिया आने वाला था उसके 5-6 दिन पहले से फ्री फायर इंडिया का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है वो एक्टिव हो चुका था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर फ्री फायर इंडिया आने से पहले इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए कंग्रेचुलेट भी किया था। समझ रहे हो ना किस लेवल तक फ्री फायर वाले इंस्टाग्राम में एक्टिव हुए थे। फिर क्या हुआ, फ्री फायर इंडिया को 31 अगस्त को अनाउंस किया गया और 5 सितंबर को पब्लिश होगा ऐसा बोला गया। लेकिन फिर 4 सितंबर को उन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया और अनाउंसमेंट में ये बोला कि गेम में वो लोग लोकलाइजेशन करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें फ्यू मोर वीक्स लगेंगे, मतलब कि 4-5 वीक में फ्री फायर इंडिया आ जाएगा। लेकिन 90 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, फ्री फायर इंडिया अभी तक नहीं आया। इसीलिए गूगल प्ले की एक पॉलिसी है, अगर कोई गेम प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आता है और 90 दिन के अंदर में अगर वो गेम को पब्लिश नहीं किया जाता है तो गेम डेवलपर का जो भी गेम वो रहेगा लाइक फ्री फायर इंडिया को हटा दिया जाएगा। समझे ना, फ्री फायर इंडिया 31 अगस्त को आया था, 2 दिसंबर तक हो गए 90 डेज, और 90 डेज के अंदर फ्री फायर इंडिया नहीं आया, इसलिए फ्री फायर इंडिया को प्ले स्टोर के अंदर से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन बात अब ये आती है कि इंडस, UGW, लीग्स ऑफ लेजेंड ये गेम भी तो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, इंस्टॉल करने पर जाते हैं तो इंस्टॉल नहीं होते हैं, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है ये तीनों गेम प्ले स्टोर से अभी तक रिमूव नहीं हुए हैं। लेकिन फ्री फायर इंडिया फिर रिमूव क्यों हुआ? चलो छोड़ो, रीजन कोई भी हो, 90 डेज पॉलिसी हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, गेम अभी बना नहीं हो, प्ले स्टोर की तरफ से हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन यार फ्री फायर वालों को हमें बताना तो चाहिए। बात तो सही है। जब उन्होंने बोला कि फ्यू मोर वीक्स लगेंगे, तब से लेके अब तक वो लोग जुबान पर फेविक्विक लगा करके बैठे हैं। भाई हम गेम की ऑडियंस को बताना तो चाहिए कि गेम कब आने वाला है, उसके बारे में कुछ तो जानकारी बताना चाहिए। और पता है इनके बायो में यहाँ पर लिंक दी गई थी कि फ्री फायर इंडिया को प्री रजिस्ट्रेशन करे करके, लेकिन वाली लिंक को भी रिमूव कर दिया गया है। न ही फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट आई है, मतलब कि फ्री फायर वाले बस हमें अंधकार में रखना चाहते हैं। भाई इतनी सारी थ्योरी आ रही है कि फ्री फायर इंडिया इस रीजन की वजह से गया, इस रीजन की वजह से गया। आप लोगों को क्या लगता है किस रीजन की वजह से फ्री फायर इंडिया को रिमूव किया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा सुनने मिला है मेरे सोर्सेस के माध्यम से कि वो जो लॉन्च डेट है ना, अब वो फरवरी में चल जाएगी, फरवरी के 13-14 तारीख को आने वाली है, जब फ्री फायर इंडिया बैन हुआ था जिस तारीख को, उसी तारीख को फ्री फायर इंडिया आने वाला है ऐसा सुनने को मिला है। अब मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि सनी पाजी ने फ्री फायर इंडिया के लिए भी ये वाला डायलॉग बोले थे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड, इंसाफ। और हाँ यार, मैं फ्री फायर वालों से और एक बात के लिए डिसअपॉइंटेड हूँ। उन्होंने फ्री फायर एक्स लंबोर्गिनी के साथ कोलेब्रेशन किया, तो लंबोर्गिनी की थीम पर जितने भी आइटम उन्होंने डिजाइन किए हैं सारे आइटम को डायमंड के इवेंट में दे दिए, एक भी आइटम फ्री का नहीं दिया। मतलब कि सोचो, एक कोलेब्रेशन किया, सारा का सारा कोलेब्रेशन जो 100% रिवॉर्ड है वो सारे डायमंड के इवेंट, मतलब कि पैसे खाऊ वाले इवेंट में आए हैं, एक भी फ्री का रिवॉर्ड फ्री फायर वालों ने नहीं दिया। इस चीज के लिए मैं थोड़ा निराश हूँ। जबकि अदर सर्वर लाइक इंडोनेशियन सर्वर, वहां पर लंबोर्गिनी का डेडिकेटेड कैलेंडर आया है, फ्री के रिवॉर्ड मिल रहे हैं, यहां तक कि इमोट भी मिल रहा है। यार हमारे इंडियन सर्वर पर फ्री का कोई भी इवेंट नहीं आया, इसीलिए मैं फ्री फायर वालों से थोड़ा निराश हूं। हमारे इंडियन सर्वर पर भी लंबोर्गिनी का कोई ना कोई फ्री का रिवॉर्ड देना चाहिए था। सही कह रहे हो सर आप, बहुत सही कह रहे हो। बाय द वे देखते हैं, फ्री फायर जो भी विंटर लैंड इवेंट लाने वाला है वो बहुत मेगा इवेंट आने वाला है, उसका इंटरफेस भी निकल कर आ चुका है, मैंने बता दिया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जाकर के देख लेना। तो यार इस वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी सच्चाई बताई है, चाहे वो फ्री फायर इंडिया की हो, चाहे वो फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट की हो। इसीलिए ऐसी वीडियोस को भी सपोर्ट किया करो जिसमें सच्चाई हो, इसलिए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, फ्री फायर इंडिया कब आएगा ये तो फ्री फायर के एम्प्लॉइज को भी नहीं पता, क्योंकि सिंगापुर की टीम की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो जैसी जानकारी मुझे और पता चलेगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो यार बस इस वाले वीडियो में इतनी जानकारी रखते हैं, जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।